शाहबाज साहब के लिए चार मिसरे मेरे में उनकी नजर करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने सच कहा है तो आपकी भी दुआएं चाहूंगा। किसी के पास नश्तर हैं, कहीं मरहम निकलता है, कहीं तिरियाख मिलता है, कहीं पर सम निकलता है। किसी के पास नश्तर हैं, कहीं मरहम निकलता है, कहीं तिरियाख मिलता है, कहीं पर सम निकलता है। और जमी खोदो बहुत सा कोयला मिल जाएगा तुमको, मगर हीरा खुदाई में उमूमन कम निकलता है, मगर हीरा खुदाई में उमूमन कम निकलता है। एक शेर के साथ मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। मैं डॉक्टर साहब नवाज़ देवबंदी से गुजारिश कर रहा हूँ, बराए करम तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। फिरोज़ रशीद साहब, जिस मजबूरी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करता हूँ कि ये नागपुर है, फकीर को आप जहां चाहें वहां पढ़वा सकते हैं, जिसके बाद चाहें उसके बाद पढ़वा सकते हैं। वाह 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 वाह। लेकिन दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा। अभी एक माजूर बच्चा यहां आकर बैठा था, जब वो रुखसत होने लगा तो उसके पांव में जो चप्पल थी उसको पहनने में जहमत हो रही थी। एक बुजुर्ग ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और अपने हाथ से उसको चप्पल पहनाई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भेज दिया हो और कहा हो कि इन हाथों को चूम लो, इनका बोसा लो। ये बहुत अच्छा लगा। दूसरी एक और बात, मौजूदा मुआशरे में बिगड़ते हुए हालात, नई नस्लों की नाफरमानी, लेकिन एक मुशायरे का सदर ये ऐलान कर दे कि बैठ जाओ तो सारी पब्लिक बैठ जाए, एक ऐलान कर दे कि कोई ताली ना बजाए तो सब लोग ताली बजाना बंद कर दें, इससे पता चलता है कि मुल्क में अभी कुछ खित्ते और कुछ शहर ऐसे हैं जहां बुजुर्गों के कहने से तहजीबें जिंदा रहती हैं। वाह 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 वाह। लेकिन मैं मास्टर शरफुद्दीन साहब से ये अर्ज करना चाहूंगा कि जहां इन बच्चों ने, इन बुजुर्गों ने आपकी ये बात मानी है कि इन्होंने ताली नहीं बजाई, हालांकि मुआशरे ने जो करवट ली है उसके एतबार से कोई जुर्म नहीं है अब ताली बजाना, चूंकि मगर ये जिस जमाने के लोग हैं, जिन रवायतों के लोग हैं, इनके यहां यही बात थी। मगर मैं चाहता हूं कि इतनी बाविकार सदारत अगर किसी मुल्क को दे दी जाए तो मुल्क का निज़ाम संवर जाए और संभल जाए, तो ये बहुत बात है। आप एक बार मास्टर साहब के लिए और साहेब सदर के लिए ताली बजा दीजिए। और इसमें हिकमत अमली भी है मेरी, आप मुझे अनाड़ी ना समझें, चूंकि आप सदर साहब के लिए ताली बजा रहे तो इसमें सदर साहब को भी कोई एतराज नहीं होगा। खैर, शुक्रिया बहुत बहुत, उनका हक है, ऐसे मनसबों पर ऐसे ही लोगों को बैठना चाहिए। और मैं मुशायरे के तमाम मुंतजमीन को, लतीफ़ भाई को, हारून भाई को, जावेद भाई को और मोहम्मद अशरफ साहब को, कामिल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मनसब के जो अदब के गवर्नर हैं, जो अदब के वज़ीर आला हैं, उन्हीं को उन्होंने यहाँ बिठाया, सियासी लोगों को ला के नहीं बिठाया, इसके लिए भी मुबारक। अब अगर आप इजाज़त दें, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी, मैं इतनी बात पर भी इक्तफा करके बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर आप शेर सुनना चाहें तो एक बार अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए और फिर मैं बात शुरू करता हूं। आवाज नहीं आई बच्चों, ऐसे मजा नहीं आया। हाँ, ऐसे शुक्रिया। एक बहुत, मैं अभी आया था तो मुझे एक फरमाइश मिली तो मैं उसकी तामील करता हूं। पहले हमीद भाई ने भी बहुत शानदार गजल सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अज़म शाकिरी साहब ने, इकबाल अशर साहब ने, ताहिर भाई ने और बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छा सुना। यहां से बात शुरू करता हूं। इरशाद। अच्छा चलिए, मैं नई गजल सुनाता हूं, बिल्कुल मुलादा फरमाए। देखिए, जैसा इकबाल अशर साहब ने कहा था, नई गजल में रिस्क रहता है,
तो जितनी बात मैंने कह दी अब आप तैयार रहिएगा। अर्ज कहता हूं कि फूलों ने दिए जख्म, फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। वाह वाह वाह, फूलों ने दिए जख्म, फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। वाह 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 वाह, क्या बात। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब नागपुर वालों हम तो रोज इम्तहान देते हैं, अब आपका इम्तहान। दो मिसरे अर्ज करता हूं, रघु भाई शेर देखें कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। खुशी की बात है कि नई उम्रों के लोग अगर मुशायरे में आ जाते हैं तो मुशायरे का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। क्या ये बहुत खुशी की बात। वाह वाह। अर्ज कहता हूं कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। किया क्या। तैयार रहिएगा कि जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। फिर छन से गिरा क्या, गिरा क्या। और आजम शाकिरी साहब शेर सुनाता हूं आपको कि तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। ताहिर भाई, फिर कूचे जाना से कोई जख्म मिला क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। वो का मतलब समझते हैं ना। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। वाह 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 वाह। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। अल्लाह आपको जिंदा सलामत रखे। इस ठंडक के बावजूद ये जोश और ये वलवला खुदा करे कि आपकी जाती जिंदगी में भी हो और मुआशरती जिंदगी में भी हो। दो मिसरे अर्ज करता हूं, हिफाजत कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के। लतीफ भाई मुलाजा फरमाएं कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। हारून भाई शेर सुनाता हूं, गिरा क्या। छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। क्या बात है वाह। तैयार रहिएगा नागपुर के लोगों के फिर छन से गिरा क्या। के छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। वाह वाह वाह, क्या बात। वाह 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 वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह, शुक्रिया बहुत बहुत। शेर तो जैसा कैसा भी है लेकिन आपने कैसी पजीराई की ये बड़ी बात है। वाह। कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या।
छाले थे, अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था, छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था, जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। वाह वाह, वहां कैसे कोई दिया जले, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। वाह 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 वाह, क्या बात है वाह। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। नदिए का है, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। नदिए का है न हवा का है, नदिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। क्या बात है वाह। नदिए का है न हवा का न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है, यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। वाह 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 वाह, यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। वाह। एक शेर सुनाता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम जो शेर कहते हैं वो किसी मजहब की सरहद पर जाकर रुक जाता है, किसी मुल्क की सरहद पर जाकर रुक जाता है। मेरी एक गजल है, उसका एक शेर था तो उसमें लफ्ज़ सिंदूर आया, तो लंदन के मेरे एक मद्दा ने कहा कि नवाज़ भाई, यहाँ पाकिस्तानी लोगों को मैं ये शेर सुनाना चाहता हूँ लेकिन हमारे मुआशरे में सिंदूर लफ्ज़ नहीं है, तो इसे बदल दीजिए। तो मैंने कहा कि मैंने पाकिस्तानियों के लिए शेर नहीं कहा है, लफ्ज़ यही रहेगा। तो मगर ये एहसास जागा कि कभी कभी कहीं किसी सरहद पर, मुल्क की सरहद पर, किसी मतलब के मजहब की सरहद पर शेर रुक जाता है। आइए मैं एक ऐसा शेर सुनाता हूँ जिसकी कोई सरहद नहीं है, जो लामहदूद है। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआ चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाए साहिब सदर और तमाम बुजुर्ग दोस्त, कहता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। अब आप भी मोहब्बत लुटाने के लिए तैयार रहिएगा। फिरोज भाई के जिन पर, रऊ भाई, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। क्या बात है क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने, वाह वाह। देखिए दाद में जी खुश कीजिए, आप मजा नहीं आया मुझे। फिर से पढ़िए नवाज भाई, फिर पढ़िए नवाज भाई। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने, एक शेर और सुनाता हूं, छोटा सा उर्दू का तालिबिल, छोटे छोटे से लफ्ज, लेकिन अगर कोई बात आपको अच्छी लगे दुआ चाहूंगा। मुलाहिज़ा फरमाए कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। क्या बात है बाप और, अगर कोई नई बात हो फिर दुआ चाहूंगा कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। बाप और, शुक्रिया बहुत। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। क्या बात है वाह। नागपुर में इस शमा को देखकर मुझे अपना एक शेर याद आया, बगैर किसी तमहीद के सुनाता हूं और उम्मीद और तवक्को रखता हूं कि इंशाल्लाह आपकी रसाई होगी। नागपुर का ये स्टेज, शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि
हवा, हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। वाह, हवा खिलाफ चली तो चराग खूब। अगर आप पहुंचे हो तो देखिए जिंदा रहिएगा कि हवा चराग आप हैं, कि हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। वाह 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 वाह, क्या बात। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। वाह वाह, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। वाह वाह, एक शेर और याद आया कि ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा, ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। वाह 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 वाह, ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, वाह, बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। मतलब अर्ज करता हूं कि मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। देखिए मुशायरों में एक रवायत थी पहले मिसरा उठाने की, मिसरे का मतलब यह नहीं था कि मिसरे को कोई कांधे पे उठाए, इधर शायर पढ़ता था तो लोग उस मिसरे को उठाते थे तो मजा आता था मुशायरे में, कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। वाह वाह। और मेरे नागपुर के लोगों, फिर आपकी नजर करता हूँ दो मिसरे, मुलाजा फरमाए बतौर खास कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक एक लफ्ज में एक एक आदमी की शिरकत, चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। वाह वाह, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को हम भी हम कह देते हैं अपना, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। वाह 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 वाह, एक तुम हो के अपनों को भी अपना एक नहीं हम कहते हैं, वाह वाह वाह, कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते, अपना नहीं कहते, अपना नहीं कहते। वाह, माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। क्या बात है, बहुत प्यारा शेर है। वाह वाह वाह, माना के मियां, बहुत प्यारा शेर, माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। वाह 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 वाह, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, अच्छा नहीं कहते। और लतीफ भाई, हारून भाई, जावेद भाई और अशरफ साहब के इस मुशायरे में, कामिल साहब के इस मुशायरे में, नागपुर के इस मुशायरे में देखिए जी, मुलादा फरमाए, देखिए दो मिसरे हैं, चलिए, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। पहले मिसरे में जो लफ्ज हैं वही दूसरे मिसरे में हैं, लेकिन लफ्जों की तरतीब बदलने से अगर शेर बने तो लगना चाहिए कि नागपुर में मुशायरा है, कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते, अपना नहीं कहते। तैयार रहिएगा कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। वाह, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं तो क्या, सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। वाह 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 वाह, क्या जबान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर। शुक्रिया आसिफ भाई, शुक्रिया।
बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं कहते, क्या जबान है, क्या क्या नहीं कहते। मेरे हिस्से के कतरों पर, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है रियाज भाई, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है। उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। फिर एक अपना जाती शेर सुनाता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो दाद दे, नहीं तो सुनने के। मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, जिससे अपने अंदर अपने अंदर अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक कैसा भी अपना चश्मा बनवा रखा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर है नवाज भाई। जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। वाह वाह। और दोस्तों ये शेर भी मुलाजा करें कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। वाह 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 वाह, इससे ज्यादा मांगने वाला वाह 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 और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। वाह। और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। अब इसमें कब तक देखिएगा कि मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। वाह 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 वाह, मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। चार मिसरों के लिए हुक्म था तामील करता हूं। मेरे इन चार मिसरों की बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, ये हर थोड़े दिन के बाद किसी शहर में, किसी सूबे में, किसी मुल्क में, इराक में, ईरान में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ये जिंदा भी हो जाते हैं और सच्चे भी हो जाते हैं। शेर मुलाजा फरमाइए। मैंने इस कर्ब के साथ चार मिसरे कहे कि जब कभी भी कहीं आग लगती है, कश्मीर में आग लगे यूपी के लोग कहते हैं ये तो कश्मीर की आग है, पाकिस्तान में आग लगे ईरान के लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान की आग है, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है आग कहीं भी लगे लेकिन तपिश और जलन हमारे तलवों में महसूस होनी चाहिए, इसको कहते हैं इंसानियत। शेर मुलाहिदा करें। कहता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका। वाह 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 वाह, क्या बात है। और अब इशारा मुलाहिदा फरमाइए, खुदा करे कि आप दूर तक पहुंचे, कि आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। क्या बात है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह 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 वाह, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नागपुर के अच्छे लोगों ने इस मुशायरे का इनेकाद किया। अच्छा, शुक्रिया। तो मैं तीन शेर मिशन के तौर पे सुनाता हूं। मोहब्बत जिंदगी की सबसे बेहतरीन शय है, वो चाहे अपने घर में हो, मुआशरे में हो, समाज में हो। मुलाहिदा फरमाएं। और मेरा ख्याल से इस स्टेज से ज्यादा मुनासिब स्टेज हिंदुस्तान के किसी शहर का नहीं हो सकता। शेर मुलाहिदा फरमाइए। हमारा ईमान ये है कि वतन से मोहब्बत निस्फ ईमान है, हम सब उसके पाबंद हैं। शेर अर्ज करता हूं,
कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। वाह, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वाह वाह वाह, अब तैयार रहिएगा शेर सुनने के लिए कि बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। वो जो अनपढ़ हैं, वो जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना, इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर खुदा करे कि आपके इस स्टेज से हिंदुस्तान की आखिरी सरहद तक ये बात पहुंचे और आखिरी आदमी तक कि वो जो अनपढ़ है चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए।